टक्कर में तो कांग्रेस भी रह सकती है, बीजेपी भी रह सकती है और बहुजन भी रह सकती है, तीनों पार्टी है। बिल्कुल लहर नहीं इस पार, बिल्कुल हमको बोला दिव्राज सिंह इस बार चौथा स्थान जाएंगे। चौथा स्थान कौन रहेगा? समाजवादी आ रही है, लक्ष्मण तिवारी जी। हर जगह दिव्राज का वोट एकदम बिल्कुल जीरो, हर हम कहते किसी उपला ग्राम पंचायत है ये बगल में, हमको लगता है दिव्राज को वहाँ खाता नहीं किया। बीडी पाड़े दे सकते हैं टक्कर, क्योंकि वो कुछ किए हैं पहले से। देखिए वो चुनाव के पहले से तैयारी में नहीं थे, गरीब को वो मदद किए, शादी ब्याह जब हरजन आदिवासी करते थे तो थोड़ा घी एक डिब्बा 10-20 किलो चीनी शादी ब्याह में जाकर वहाँ पहुँचते थे। नमस्कार, मैं हूं निशांत मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। रीवा स्टोरी मीडिया की टीम इस समय सिरमौर विधानसभा अंतर्गत ओझापुरवा गांव में है। ओझापुरवा गांव के स्थानीय लोग हमारे पास देख सकते हैं, युवा लोग हैं कुछ और कुछ स्थानीय प्रत्याशी मिले हैं यहां के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम नागेश कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी क्या माहौल लग रहा है यहाँ? हमारा माहौल सत्ता परिवर्तन का लग रहा है। अब किसकी भाग्य कहाँ काम साथ दे वो मैं नहीं जानता। मतलब सत्ता परिवर्तन में आप लोग किसको चाह रहे हैं इस बार? कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी है। टक्कर में कौन सी रहेगी पार्टी? टक्कर में तो कांग्रेस भी रह सकती है, बीजेपी भी रह सकती है और बहुजन भी रह सकती है, तीनों पार्टी है टक्कर में। अब कौन निकल जाए कौन ना निकल जाए। जैसा कि यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी पार्टी से हैं, क्या विकास आप देखते हैं? विकास तो हमारे गाँव में कुछ नहीं है, हमारे गाँव कभी आए ही नहीं, आए ही नहीं। जीतने के बाद कभी नहीं आए। 10 वर्ष से परमानेंट रहे राजा के नाम पर जी। तो दो बार कैसे जीत गए? जब विकास जीत गए हो गया, हवा थी, लहर थी बीजेपी की, बीजेपी की लहर में उड़ गए। हाँ, और इस बार भी उड़ जाएंगे तो? इस बार उड़ जाएंगे तो उनकी भाग्य साथ दे देगी, उड़ जाएंगे। इस बार उड़ना बड़ा कठिन है। जीतने के बाद यहाँ दौरा करते हैं विधायक? नहीं करते, कभी नहीं आए आज तक। ब्राह्मणों के यहाँ नहीं आए हैं, क्षत्रियों के यहाँ जाते हैं। मतलब जातिवाद है उनके? जातिवाद है। अभी एक उनका हाल में वीडियो वायरल हुआ है, ब्राह्मणों की कुछ ऐसे आलोचनाएं वगैरह कर रहे थे उनके, ये देवघर में किए ना जी, क्या कहेंगे उस पर? हम लोग अब क्या कहेंगे, हम लोग तो उनके साथ में नहीं है, पूर्ण रूपेण नहीं है। चाहे वो हमको निकाल दें इस गांव से, नहीं निकालेंगे क्योंकि लोकतांत्रिक है। नहीं, अगर वो हो तो कर भी सकते हैं, पर उनके साथ नहीं है। चाचा जी, जब तारीख नजदीक आती है चुनाव की तो चुनाव जाति समीकरण में बटने लगता है, हर जाति के लोग अपने विशेष लोगों से जुड़ने लगते हैं। क्या इस बार होगा ऐसा? नहीं, हम लोग जाति में नहीं थे, हम लोग पार्टी के दादा के आदमी है सदा सर्वदा से, पर दादा के परिवार में कोई रह नहीं गया, दादा परिवार में विनाश हो गया। सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी, सिद्धार्थ तिवारी है तो वो बीजेपी में चले गए, वो भी केंवसर से चले गए अपने सिरमौर में। अरुणा तिवारी थी तो थे उस बार कांग्रेस में, इस बार भी कांग्रेस में हैं, ये बार नहीं, कांग्रेस छोड़े नहीं है, राम गरीब है तो राम गरीब के साथ में है। उनका कहना है बीजेपी वालों का कि उनके बीजेपी ज्वाइन करने से 5 या 10 हजार वोटों का इजाफा होगा हर विधानसभा में। होगा। तो आप लोग तो नहीं जा रहे हैं? हम लोग तो यहाँ सिरमौर में है, क्या करें? फिर भी हर विधानसभा में बोल रहे हैं कि बीजेपी को 5000 वोट ज्यादा मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आप लोग कांग्रेसी हैं तो आप लोग बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसा कहना होगा? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। चलिए, क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र सिंह नाम है। आप अपने मन की बात बताइए, क्या समीकरण आप देख रहे हैं राजनीति में, कितना विकास हुआ जो मन में हो आप? जी, भाजपा पार्टी बहुत खराब पार्टी है, जातिवाद में बिल्कुल उतरी है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस बार बदल जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो हम लोगों को कुछ लाभ मिले। किसान को अभी 2600 रुपए में धान बोले हैं, 2600 में गेहूं बोले हैं, लाडली बहना को 1500 बोले हैं। लाडली बहना तो 1200 मिल रहा है, 1200 लास्ट में दे रहे हैं, क्या भरोसा देंगे कि नहीं देंगे? कांग्रेस में भरोसा की मिल जाए? भरोसा है, बिल्कुल भरोसा, जब लिखित में भी दिया है तो। गल्ला मिल रहा 5 किलो? गल्ला तो पहले से मिल रहा है, पहले तो 35 किलो मिलता था, तो अब तो 5 किलो में ला दिए है ना। अब 5 किलो मिल रहा है तो खाद्यान्न में कभी हम लोग बहुत विधायक जी से माननीय शिकायत की है कि हमारे यहाँ कोटा है, भ्रष्टाचार है, अगर हमको 20 किलो गल्ला मिल रहा है तो उसमें 18 किलो या 17 किलो गल्ला रहता है। अच्छा जी हाँ।
और क्या आपके नजर में समस्याएं हैं कि यहाँ हो जानी चाहिए उन समस्याओं का निदान, लेकिन हो नहीं पाया है वास्तविक? बिल्कुल नहीं हो पाया। हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ ओझापुरा में शिवराज सिंह चौहान आए थे, घोषणा कर गए कि हॉस्पिटल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कॉलेज देंगे, कुछ नहीं दे गए हैं, सिर्फ घोषणा करते। मामा के आने से लहर तो बन गई होगी ना? बिल्कुल लहर नहीं इस पार, बिल्कुल। हमको तो लगा दिव्राज सिंह इस बार चौथा स्थान जाएंगे। चौथा स्थान में कौन रहेगा? समाजवादी आ रही है, लक्ष्मण तिवारी जी। हर जगह दिव्राज का वोट एकदम बिल्कुल जीरो। हर हम कहते किसी कुठला ग्राम पंचायत है ये बगल में, हमको लगता है दिव्राज को वहाँ खाता नहीं खुलेगा। तो लास्ट में चेंज होने की संभावनाएं दिखाई जा रही? बिल्कुल कांग्रेस का वोट है इस बार, कोई चारा नहीं है। हम लोग आप कांग्रेस से कौन सी ऐसी पार्टी है जो टक्कर में रहेगी, कांग्रेस को टक्कर दे सकती है? बीडी पांडे दे सकते हैं टक्कर, क्योंकि वो कुछ किए हैं पहले से। देखिए, वो चुनाव के पहले से तैयारी में नहीं थे, गरीब को वो मदद किए। शादी ब्याह जब हरजन आदिवासी करते थे तो थोड़ा घी एक डिब्बा, 10-20 किलो चीनी, शादी ब्याह में जाकर वहाँ पहुँचते थे, मदद किए हैं वो। अच्छा। और नवरात में देवी भी हर पंचायत को बांटे हैं, आज 2 पंचवर्षीय से बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, निःशुल्क बांटे, सबको दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, कोई ये नहीं है कि नीचे। घाट के ऊपर दोनों? घाट के ऊपर तुम नहीं बता सकते, इधर तो दिए हैं। देखिए, कहीं नहीं पता चला कि शादी वगैरह है तो वहाँ जाके घी सकते। हाँ, ये जो उनसे कार्ड भी दिया है तो वो अगर नहीं पहुँचे वहाँ सामान भिजवा दिए, कुछ न कुछ भिजवाए हैं। तो क्या वो अब भविष्य के देखते हुए ये सब योजना कर रहे हैं? भविष्य के लिए हम लोग तो कांग्रेस को देख रहे हैं। नहीं नहीं, वो बीडी पांडे जी जैसा आपने बताया कि घी, शक्कर, दूध ये सब देते थे, राम गरीब आ गए हैं, क्योंकि हम लोग उनसे गरीब मानकर उनको जोड़ रहे हैं, गरीब के नाम से वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनके अंगाउछी का पैसा नहीं है। अच्छा, उनके पास अंगाउछी का पैसा नहीं, हम लोग गरीब को वोट दे रहे हैं। अच्छा, उनका नाम भी गरीब है? राम गरीब भी नाम है, राम गरीब है ही, वास्तव में राम गरीब। विधायक रहे हैं वो, गरीब कैसे हुए विधायक? पहले तो पैसा नहीं कमाए वो ना, वो जनता के बीच में पहुंचते थे हर समय, पैसा नहीं कमाए हैं। सब लोग तो यहाँ कोई काम भी, रोड भी देते हैं तो पैसा परसेंट लेते हैं कि हमको इतना परसेंट चाहिए, आपके पंचायत में ना काम दे रहे, कुठला पंचायत में एक भी परसेंट काम नहीं दिए हैं। तो हम तो बीजेपी कार्यकाल से आप लोग नाखुश? बिल्कुल नाखुश है। हमारे ग्राम पंचायत में अभी कल वाहन लौटवा दिया गया कि आप 10 साल हो गया था तो आपने पंचायत को माने विधायक नीति के जो राशि आती है रोड बनवाने या सड़क नल कोई व्यवस्था नहीं की है, तो हम लोग किस तरह से वोट उनको दे दें बताइए। गाड़ी लौटाई जा रही है। उनको वोट इस बार कुठला में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लगता है खाता नहीं, कोई बीडी पाड़े का कुछ वोट है पर उनका तो वोट एक भी नहीं है। मतलब आपके कहने के मुताबिक दो पार्टी टक्कर हमको तो बीजेपी बिल्कुल टक्कर में कहीं नहीं दिख रही है। चौथे नंबर में आ रही है, कहीं टक्कर नहीं दिख रही उनकी। चौथे नंबर हमारे हिसाब से है। इनका कहना है कि बीजेपी तीसरे में भी नहीं, चौथे नंबर में रहेगी। क्या नाम है चाचा जी आपका? राधेश्याम मिश्र, ओझापुरवा। मिश्रा जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार आपका राजनीतिक समीकरण क्या बता रहा है? हम तो हैं कांग्रेसी पुलवान। हाँ, नहीं तो आपने मन की बात बताई तो देखा का हो से बात। अपना तो कांग्रेसी में मजा ऐसा हुई। हाँ, कांग्रेसी वाले बीजेपी में हो रहे हैं समय पर, जैसा सिद्धार्थ तिवारी जी वह मान रहे। कांग्रेसी वाले बीजेपी के सदस्यता लाए रहे, अपना होता ऐसा नहीं है कुछ सिस्टम। अब तो नहीं आया, बस बहुत टाइम है, फिर कहा थे मन पर, चार पांच मन पर था, इसे ढगमगा थे। कांग्रेसी पुरान अपना के हिसाब से कहा लागत है अपना के ओझा पूर्वा में विकास भा है? कुछ विकास हो गया भा है, जब कुछ भा है, रोड नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी अपने पंचायत में विशेष तौर पर नहीं आए। बहुत इतना गड़बड़ नहीं आए, काम चलाऊ है। हाँ, पब्लिक के काम चल रही है। हाँ, चलिए आराम से। इधर की अपना के हिसाब से कहा लागत है कि दो पार्टी टक्कर में रही हैं? तीनों टक्कर में रही हैं। तीन, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन। अंतिम टक्कर जना से दुई के हुई, एक बहुत पूछी लाइन टक्कर असली बताए दुई की। चाचा अपने बम्बई तक चल रहे हैं सर, बम्बई तक पूरा बताई चाचा जी। हमने पोल खुलवाओ रहा है समझ में आवत है, उम्मीद है कि आगे निकल सका था। हाँ।
जैसा अपना अपना लड़े हैं तो के टक्कर में रही ज्यादा ताकतवर रही भाई। बीडी पाड़े निकल सकत है कि कांग्रेस निकल सकत है कि भाजपा निकल सकती है? हम तो कांग्रेस में हैं भैया, कहीं के बीएसपी और कांग्रेस में टक्कर। 10 साल से जुड़े हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस में रहे तो कोई भी आए टक्कर में, हम लोग कांग्रेस में ही रहेंगे। टक्कर कांग्रेस रही और या रही भाजपा? भाजपा अपना कहा है कांग्रेस और भाजपा अपना कहा है कि कांग्रेस और बीएसपी बीएसपी हमारो मान ले अपना मन के बात नहीं बताए लंदी दिल से बोले हमारे बहुत सोच के बताई अब यही बाजी बात माना करक पूछे बोले कुछ है ना। अपना का नाम है धीर मिश्रा। मिश्रा जी अपना का कहिला है, अपना दिल के बात बताई, मन में कहा चल रहा अपना? मन में तो हमारे पांडे जी का दे, बीडी पांडे जी का नहीं, वोट ना बताइए का दे अपना के माहौल यहाँ क्षेत्र में रहते नहीं है जाने ना जी, तब माहौल बहुत पता नहीं। कहाँ रही थे रीवा में? इंदौर में। अच्छा इंदौर में रही थे, नौकरी वोकरी करा था? युवाओं के लिए यहाँ कुछ किया गया है रोजगार के लिए? कुछ नहीं किया गया है, फैक्ट्री या फिर कुछ उद्योग वहाँ पर तो किया गया है? नहीं नहीं यहाँ यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है। चलिए तमाम लोगों से मैंने बात किया जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वरिष्ठ नागरिकों से मैंने बात किया, जो राजनीति की अच्छी पकड़ जिनके पास रहती है, राजनीति के ज्ञान होता है उनके पास। हालांकि चाचा जी कुछ खुल के नहीं बोले हैं, लेकिन समझ में आया कि कांग्रेस और बीएसपी की इस बार ओझा पूर्व में टक्कर रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।